ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दो चीजें होती है। सबसे पहला आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, जो आप थ्योरी पढ़े हो उस थ्योरी को आपने समझा है कि, पहला ये टेस्ट होता है। दूसरा, अगर आपने कोई चीज को पढ़ा है तो आपको लाइन टू लाइन याद है कि, ठीक है, तो पहला आपने कॉन्सेप्ट समझा है कि नहीं, जो भी लाइन पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट, उसका मतलब आप जानते हो कि नहीं। दूसरा, वो लाइन टू लाइन आपको आता है कि नहीं, आपको याद है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट प्लस मेमोरी दोनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आप रिटर्न की बात आती है, जब आप थ्योरी लिखते हो, तो जो भी क्वेश्चन आया बुक में जो है वो आप छाप दिए, लाइन टू लाइन अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी चल जाता है, तो भी चल जाता है, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि कटे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना? बताओ, अगर आप लाइन टू लाइन नहीं लिखते हो एनसीईआरटी का तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं कि नहीं, बोलो। क्यों भाई खुशी, हर कीर्तन यस सर, मिलता है ना? लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, चार में से सही आंसर आप टिक करोगे तो ही मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, अगर आप तीन में से जो भी गलत आंसर को चूज करोगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, दूसरा लाइन टू लाइन चीजों को याद होना चाहिए, और कौन सी चीजों को ज्यादा फोकस किया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये मालूम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी, क्लास में जो आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समझो, देन उसके बाद क्लास के बाद चीजों को अच्छे से रिवाइज करो, मेमोराइज करो, देन क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आपको ये मालूम चले कि पैटर्न क्या है, कौन सी लाइन से कैसे क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है, और कौन सा टॉपिक के कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है, और कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम कहाँ फंस सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में हम गलत कर सकते हैं। ये जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ आएगा, थ्योरी पढ़ने से थोड़े समझ आएगा कि आप गलती कहाँ करो, ठीक है। तीसरा भाई, आपके पास लिमिटेड समय है तो कम समय में कितने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये जब आप टेस्ट देते हो तो आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है। तो जो नीट का पैटर्न है वो यही है। तो स्कूल में जब आप लोगों का एमसीक्यू पैटर्न आ रहा है उसमें सेम वही है बेटा जो नीट का होता है। तो नीट की जो सही तरीके से तैयारी कर रहा है उसको दिक्कत बिल्कुल नहीं हो, और जो पुराने तरीके से चल रहा है अभी स्कूल का, रटेंगे पढ़ेंगे पास हो जाएंगे, सब निपटेंगे, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब बोल रहा हूँ एमसीक्यू में अगर नेगेटिव मार्क्स दिए तब तो मैं बता रहा हूँ बेटा बहुत सारे लोग फेल हो गए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नीट के जैसा अगर हुआ तो बहुत सारे लोग फेल हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, नेगेटिव मार्किंग है क्या आप लोगों से? कैसे पता नहीं सर, पर नहीं रहता है। नहीं रहेगा? अगर नेगेटिव मार्किंग होगा तो सीबीएसई के इतिहास में सबसे खराब रिजल्ट आएगा, अगर क्वेश्चन अच्छे पूछे गए तो सबसे खराब रिजल्ट आएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीन में से अगर चार ऑप्शन है और एक को करेक्ट करना है तो बहुत कम नंबर आएगा लोगों का जो सही तरीके से नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो आप लोग बस पैटर्न को फॉलो करो जो हम लोग करा रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग वही पैटर्न कर रहे हो बेटा शुरुआत से, ठीक है। यस सर, बाकी तो अब एग्जाम होगा तो ही समझ आएगा क्या पैटर्न है, क्योंकि वो भी पहली बार हो रहा है आप लोगों का, आप लोगों को भी उतना एक्सपीरियंस। चलो, तो एचआईवी जो है, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ये किस टाइप के वायरस है? दे आर आरएनए वायरस, है ना? आरएनए वायरस मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, ठीक है। ये एक वायरस की कैटेगरी में आता है जिसको बोलते हैं, दे आर इंक्लूडेड अंडर रिट्रो वायरस कैटेगरी, रिट्रो वायरसेस। अब ये रिट्रो वायरसेस क्या चीज होता है, ये रिट्रो वायरसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना? ये आता है एग्जाम में कि आरएनए किस टाइप का वायरस है, दे आर रिट्रो वायरस। रिट्रो वायरस क्या होते हैं, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि बेटा कोई भी सेल है, कोई भी सेल को अगर डिवाइड होना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसको डीएनए की जरूरत होती है, क्योंकि डीएनए ही सब चीज को गाइड करता है, आरएनए नहीं गाइड करता। आरएनए डिवाइड जो है वो खुद से नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब अगर इसके पास आरएनए है एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो ये अपने आप को खुद से डिवाइड नहीं कर सकता, वैसे भी वायरस अपने आप से खुद से डिवाइड नहीं कर सकता विदाउट होस्ट के, ठीक
ठीक है। तो अब डीएनए चाहिए, होस्ट में भी डीएनए चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये वायरस जो रहता है, ये जो होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल है, इसमें क्या करेगा, ये अपना आरएनए को भेजेगा होस्ट सेल में, होस्ट सेल के पास जो डीएनए है, ठीक है, होस्ट सेल के पास जो डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये जो आरएनए है, ये जो आरएनए है, ये जाके डीएनए के साथ में जुड़ जाएगा। ये आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है आरएनए, ठीक है, ये आरएनए है ना, ये जाके होस्ट सेल के साथ में ऐसा जुड़ जाएगा, ठीक है, होस्ट सेल के साथ में जुड़ जाएगा। और ये क्या करेगा बेटा, सबसे पहले ये जो आरएनए है, ये क्या बनाएगा, आरएनए जो है ये सबसे पहले डीएनए बनाएगा, ये डबल स्टैंडर्ड होगा, आरएनए जो है ये डीएनए बनाएगा, फिर डीएनए से डीएनए बनाएगा, एंड डीएनए से आरएनए बनाएगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ा है, क्या बोलते हैं, डीएनए से डीएनए एंड डीएनए से आरएनए, इसको क्या बोलते हैं, अरे भाई इसको क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। सेंट्रल डॉग्मा पढ़े हो क्या आपको? यस सर। क्या होता है सेंट्रल डॉग्मा, कौन बताएगा, कोई भी? सर यही होता है, बताओ भाई प्राची, चलो प्राची, सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है, खुशी? अच्छा कुछ बोलते नहीं हो खुशी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है क्या बेटा, आवाज ही नहीं आता है आपका, भावना? सर इट एक्सप्लेन्स द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नहीं आ रही बेटा आवाज, खुशी आपकी। तो डीएनए से आरएनए, ठीक है, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, प्रोटीन है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये सेंट्रल डॉग्मा होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल का जो फ्लो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सेंट्रल डॉग्मा। तो डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये सेंट्रल डॉग्मा है, ठीक है। मतलब जेनेटिक मटेरियल का जो काम होता है ना, कैसे वो कर रहा है, क्या क्या बना रहा है, वो सबको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल डॉग्मा। तो डीएनए से डीएनए बनता है, दैट इज रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनता है, दैट इज एमआरएनए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये सेंट्रल डॉग्मा का एक प्लान होता है, ठीक है, लेकिन जनरली ये एक फ्लो होता है, ये एक फ्लो होता है, लेकिन अगर रिवर्स हो, अच्छा डीएनए से डीएनए बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, है ना, ये सब हम देख चुके हैं, और डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, पता है आप सभी को। लेकिन आरएनए से, एमआरएनए से अगर डीएनए बनेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये क्वेश्चन कई बार आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन आरएनए से उल्टा डीएनए बना, जनरली डीएनए से ही आरएनए बनता है, आरएनए से डीएनए नहीं बनता है जनरली, ठीक है। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन उल्टा हो रहा है, लेकिन आरएनए से डीएनए, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिट्रो वायरस की कैटेगरी करता है, रिट्रो का मतलब रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने वाले वायरस को हम क्या बोलते हैं, रिट्रो वायरस, समझ आया बस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने वाले वायरस हम क्या बोलते हैं, रिट्रो वायरस, क्लियर है, रिट्रो वायरस किसको बोलते हैं, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो आरएनए से ये पहले डीएनए बनाएगा, फिर डीएनए से डीएनए, और डीएनए से आरएनए, देन आरएनए से अपना प्रोटीन। तो होता क्या है कि ये जो वायरस है ये होस्ट सेल में जाएगा, आरएनए से डीएनए बनाएगा, देन होस्ट सेल का डीएनए को इस्तेमाल करके वो अब फिर डीएनए बनाएगा, ठीक है, होस्ट सेल का इस्तेमाल करके डीएनए बनाएगा, फिर डीएनए से
आरएनए अपना जेनेटिक मटेरियल बनाएगा, जेनेटिक मटेरियल बनाएगा आरएनए, एंड फिर एक आरएनए बनाएगा जो कि प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, दैट इज प्रोटीन का कोट बनाएगा। तो भाई इसके पास जनरली क्या होता है, ठीक है, ये जो वायरस है ना, एचआईवी वायरस जो है, एचआईवी वायरस जो रहता है, एचआई वायरस जो है, इसके पास क्या होता है, इसके पास प्रोटीन की कोट होती है, ये प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट है, ठीक है, ये डबल स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन है, प्रोटीन कोट है, ठीक है, ये प्रोटीन कोट है, और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, आरएनए, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, देन उसके बाद इसमें और क्या मिलेगा, एंजाइम, ठीक है, कौन सा एंजाइम मिलेगा, एंजाइम का काम क्या होगा, किसी भी सेल में भाई आरएनए, आप लोगों ने वायरस अगर पढ़ा होगा तो क्या बोलते हैं, वायरस में एंजाइम का काम क्या होगा बेटा, बताओ, फिर कैटलिस्ट जैसे काम करेगा, और कोई क्या चीज के लिए कैटलिस्ट बेटा, बोलो क्या चीज के लिए कैटलिस्ट सर, किसी प्रोसेस या फिर सिंथेसिस के लिए, किस टाइप का प्रोसेस कर सकता है, अंदाजा लगाओ, क्यों भाई, हर कीर्तन क्या करेगा ये, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए नहीं होता है बेटा, क्योंकि वायरस इज अ नॉन लिविंग विदाउट होस्ट, अगर वायरस खुले में घूम रहा है तो वो एज अ नॉन लिविंग के जैसा एक्ट करेगा, तो नॉन लिविंग मत, लिविंग क्या होता है, जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, है ना, जो रिप्रोड्यूस करता है ना बिना किसी की मदद से, लेकिन ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बंद रहती है, ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में कोई एंजाइम नहीं है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर, ठीक है, जैसे हमारे सेल में या किसी भी सेल, जो लिविंग सेल है उसमें क्या है भाई, ग्लाइकोलिसिस होता है ना, एनर्जी बनाने, इसमें वो सारे प्रोसेस नहीं होते क्योंकि एंजाइम के चैन नहीं होते, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम नहीं पाए, तो यहाँ पर जो एंजाइम होंगे फिर वो क्या काम करेंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता नहीं, इसीलिए तो इसको नॉन लिविंग भी बोलते हैं, जब ये होस्ट के सेल में घुसता है, किसी बॉडी में घुसता है, किसी के सेल के अंदर घुसता है, तो ये लिविंग हो जाता है ना, रिप्रोड्यूस करता है, देखो इसके बाद जो दो एंजाइम होता है, एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बेटा देखो आपको मालूम है कि डीएनए से डीएनए बनता है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाली चीज बता रहा हूँ, लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो इतना नहीं समझ आता है, ये डीएनए से डीएनए बनता है, कौन सा टाइप का एंजाइम चाहिए, बोलो बोलो, इतने बार क्वेश्चन में ले, इतने बार मॉलिकुलर बेसिस आप लोगों का टेस्ट हो चुका है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए से आरएनए बनता है, तो सर आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज है ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज चाहिए रहता है, समझ आ रहा बात की नहीं, है ना, तो इसका यह मतलब हुआ कि जब भी जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होगी, चाहे डीएनए से डीएनए या डीएनए से आरएनए, जब भी जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होगी, चाहे वो डीएनए बनाए चाहे वो आरएनए बनाए, बना जेनेटिक मटेरियल रहा है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए, तो मुझे बताओ कि आरएनए से जब डीएनए बन रहा है, मतलब जेनेटिक मटेरियल से एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल बन रहा है, ठीक है, तो इसके लिए भी तो कोई ना कोई एंजाइम चाहिए, तो वो एंजाइम कहाँ से मिलेगा, तो मैंने आपको बताया कि ये जो वायरस होता है वो आरएनए से डीएनए बनाता है पहले, फिर वो डीएनए को क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा होस्ट के सेल में,
फिर होस्ट के सेल को पे वो कब्जा कर लेगा और होस्ट के सेल को वो चलाएगा, अब कब्जा कर लेगा। जैसे बेटा सीधी सी बात है, किसी के पास गाड़ी है तो अगर आपके पास गाड़ी है, आपकी गाड़ी की चाबी कोई दूसरे रख ले तो आप गाड़ी कौन चलाएगा? वही चलाएगा। अब वो गाड़ी पे उसका हक हो गया। एक एग्जाम्पल बता रहा, ठीक है? ऐसा नहीं सर उसको तो पीट के हम चाबी ले जाए, ऐसा कैसा, चोरी कर रहा, एक प्रकार की चोरी ही है, ठीक है? तो अब पूरे सेल की चाबी इसके पास है, क्यों? क्योंकि इसका जो डीएनए होस्ट सेल के डीएनए पे कब्जा कर लेता है और होस्ट सेल के डीएनए को अपना बना के पूरे सेल को अपने हिसाब से चलाता है और अपने जैसे बहुत सारी कॉपीज बनाता है और अपना रेप्लिकेशन करता है, ठीक है? अभी आगे देखेंगे। तो अगर ये आरएनए से डीएनए बना रहा है तो बेटा जरूर इसके पास कोई ना कोई तो एंजाइम होगा। तो कौन सा एंजाइम होना चाहिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, समझ आ रहा है बात? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर है बात कि नहीं, समझ आ रहा है? यस सर। दूसरा इसके पास होता है प्रोटीएस एंजाइम। प्रोटीएस एंजाइम क्या करेगा? ये इसका सेलुलर कोट बनाएगा। ये हो गया बेटा डुप्लीकेशन के लिए, है ना, जेनेटिक मटेरियल को बनाने के लिए ये हो गया इसका प्रोटीन कोट। तो मैंने आपको क्या बताया कि वायरस का एक आउटर कोट होता है, आउटर बॉडी वॉल होता है, दैट इज प्रोटीन से बना हुआ रहता है, प्रोटीन कोट। तो अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल और एंजाइम। तो इसके पास क्या क्या देखे आप? वायरस के पास वायरस का आउटर प्रोटीन कोट है ना, और इनर प्रोटीन कोट, एंड मतलब ये प्रोटीन कोट हो गया, अंदर में आपको मिलेगा जेनेटिक मटेरियल एंड कुछ एंजाइम्स। उसमें एक एंजाइम है जो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होगा, है ना, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरा एंजाइम होगा प्रोटीएस एंजाइम, वो इसके आउटर प्रोटीन कोट को बनाने में जो मदद करता है। तो ये वायरस जब भी सेल के अंदर घुसता है तो इसका आरएनए वायरस चेंज होगा डीएनए में, है ना, और डीएनए इनकॉर्पोरेट होगा सेल के साथ में। फिर ये सेल क्या करेगा? ये जो सेल है अब क्या करेगा, इसका जो डीएनए है वो क्या करेगा बेटा, वो आरएनए बनाएगा। किसका? वायरस का आरएनए, ठीक है? चलो अब देखते हैं। तो ये सब घुस गया, अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये दो चीजें ध्यान रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहाँ यूज होता है, यहाँ यूज होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ये होता है। रिट्रोवायरस किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ठीक है? चलो अब जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल कि ये एक सेल है ना, ये एक सेल है, ये वायरस अंदर घुसा है ना, इसका जो आरएनए है ये क्या करेगा? सबसे पहले डीएनए। हाँ बोलो बेटा। सर सिमर को एंटर कर लीजिए। अच्छा हाँ हो गया, एंटर हो गया। क्या छूटा तुमने उनका? क्या छूटा? क्या छूटा बेटा आप लोगों का? चलो तो क्या क्या देखे हम लोग कि रेट्रोवायरस क्यों बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होता है, प्रोटीएस एंजाइम क्या होता है, ये सब समझ आ गया, ठीक है? सर प्रोटीएस किस लिए होता है फिर से बताएंगे? प्रोटीएस एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन कोड बनाने के लिए होता है, इसका प्रोटीन कोड, ठीक है, इसका प्रोटीन कोड बनाने में। वायरस के पास दो ही चीज होता है मेनली, एक आउटर प्रोटीन कोट और एक इनर जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए। अब देखो वायरस अंदर घुसा, वायरस का जेनेटिक मटेरियल अंदर घुसा, आरएनए, आरएनए से डीएनए बनाएगा, कौन सा एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है ना? ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसमें जेनेटिक मटेरियल है इस सेल का, ये जो भी सेल है हमारा सेल भी हो सकता है ना। तो ये जो डीएनए है अब क्या होगा बेटा, ये जो डीएनए है इसके डीएनए के साथ में मिलेगा, सेल के डीएनए के साथ में मिलेगा। अब ये इसका डीएनए, ये किसका डीएनए है? ये वायरस का डीएनए। अब ये डीएनए इसके साथ मिल गया, कैसे मिलता है? जैसे मैंने यहां पर बताया आप लोगों को कि अगर ये एक नॉर्मल सेल का डीएनए है ना, तो
तो वायरल डीएनए इसके डीएनए के साथ ऐसा जुड़ जाता है, ऐसा है ना, दिख रहा होगा आपको, है ना, साथ में जुड़ गया। अब जुड़ गया तो क्या होगा भाई, अब ये जो डीएनए है दैट इज वायरल डीएनए नॉर्मल सेल के डीएनए के साथ जुड़ के उसके डीएनए को चलाना चालू कर देता है, पूरा का पूरा कब्जा कर लेते हैं और अपने हिसाब से चलाते हैं। फिर क्या होगा, इस सेल का जो डीएनए है ना, इस सेल का जो डीएनए है, ये डीएनए फिर क्या बनाएगा बेटा, आरएनए, किसका, वायरस का। और आरएनए बनेगा तो क्या होगा, अब बोलो आरएनए के साथ में क्या होगा, वायरस का प्रोटीन कोड भी बनेगा, है ना। अब इस वायरस का प्रोटीन कोड भी बनेगा बेटा, ये आरएनए वायरस हो गया, देन उसके बाद ये आरएनए हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये प्रोटीन कोड भी बनेगा, ये प्रोटीन कोड भी बनेगा और ये न्यू वायरस फॉर्म, और ऐसे बहुत सारे होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है, एक सेल में बहुत सारे होंगे, समझ आया। तो एक प्रकार से जिस सेल में एचआईवी वायरस घुसता है वो सेल एचआईवी फैक्ट्री कहलाता है, समझ आ रहा है, क्यों एचआईवी फैक्ट्री कहलाएगा, है? Yes, बोलो क्यों, क्योंकि नए नए आरएनए मल्टीपल आरएनए बनता है, मल्टीपल आरएनए बनेगा और मल्टीपल आरएनए से मल्टीपल न्यू वायरस बनेगा, ये पूरा वायरस की बॉडी है, साथ में प्रोटीन कोड भी बन रहा है, ये प्रोटीन कोड, ये वाला, ये ऐसा, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो तो इसका मैंने एक सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी सब पढ़ोगे तो आसानी से समझ आ जाता है, ठीक है, आसानी से समझ आ जाता है कि भाई क्या हो रहा है ना, बाकी चीजें। तो इसका ये मैकेनिज्म समझ आया कि एचआईवी वायरस किसी भी सेल पे ये कैसे हमला कर रहा है, ये आरएनए वायरस है, रेट्रो वायरस है, ये सबसे पहले क्या करेगा, आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से क्या करेगा, ये डीएनए बनेगा होस्ट के सेल में, देन ये सब होस्ट का सेल है, फिर ये डीएनए इनकॉर्पोरेट होगा होस्ट सेल के डीएनए के साथ, फिर ये डीएनए आरएनए बनाएगा और न्यू वायरस बनेगा, और ऐसे बहुत सारे वायरस एक सेल में बनता है बेटा। नॉर्मल सेल और वायरल सेल जो है उसका कितना होता है बेटा साइज, अगर मैं बोलूं कि ये एक नॉर्मल सेल है तो वायरल सेल इतना बड़ा होगा, बस ये एक नॉर्मल सेल है तो ये वायरल सेल इतना बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, वायरस बहुत छोटा रहता है नॉर्मल सेल, ठीक है, समझ आ रहा है बात, इतना क्लियर है सर? यस सर। क्यों भाई सीमर इतना लेट क्यों ज्वाइन की बेटा, चलो रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना, मैं कुछ कुछ चीजें मैं डिस्कस किया हूँ अभी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी भी आप लोगों का रिकॉर्ड मैंने है उसके हिसाब से मैंने कुछ कुछ डिस्कस। चलो मैं ये हटा रहा हूँ, अब जो मेन काम की चीज थी वो मैं बता दिया हूँ आपको, अब देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। अच्छा ये भी मैंने बताया आप लोगों को इम्यून सिस्टम में कि ये कौन से सेल में हमला करता है, बोलो, जिसके कारण ह्यूमन में इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होती है, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होती है, कौन से सेल पे ये अटैक करता है, कौन से सेल को बर्बाद करता है सर, टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल। तो अगर मैं बोलूंगा ये सेल कौन सा है तो टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर इज अ लिम्फोसाइट, किस टाइप का लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट है कि बी लिम्फोसाइट है भाई आयुषी, आयुषी भावना, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट है भाई, टी का मतलब टी हेल्पर मतलब टी लिम्फोसाइट है, हाँ चलो ठीक है। तो ये रहा इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मतलब एचआईवी का क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बाकी में उतना कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी आपको याद करने वाली है। चलो तो अब बेटा टी हेल्पर मैंने इसीलिए वहां पर बता दिया है ना, ताकि फिर से मेरे को उसको समझाना पड़ता, अगर आप इम्यून सिस्टम नहीं पढ़े हो तो वहां जाके एक बार रीड कर लेना है ना, एक बार देख लेना वीडियोस। तो टी हेल्पर जो रहता है वो टी किलर को भी स्टिमुलेट करता है,
और बी लिम्फोसाइट को भी स्टिमुलेट करता है जिससे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करने वाला जो टी लिम्फोसाइट है, टी हेल्पर सेल है, इसकी क्वांटिटी कम होते जाती है जिसके कारण मेन भाई अब टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट दोनों के कारण क्या बनता है, कौन से टाइप की इम्यूनिटी बनती है बोलो? टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट के कारण कौन सी इम्यूनिटी बनती है? एक्वायर्ड बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसी के कारण होती है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट याद रखिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो पार्ट होते हैं, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक एंटीबॉडी इम्यूनिटी। समझ आप लोगों को याद है कि नहीं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप? सर आप गलत बोल दिए। गलत बोल रहा हूँ सर? आप ह्यूमरल और एंटीबॉडी बोल दिए। ह्यूमरल और सेल मीडिएट है ना? ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड। हाँ, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ना। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी को एंटीबॉडी मीडिएटेड बोलते हैं। यस सर, है ना। ह्यूमरल एंड और उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं और आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? कैसे? कुछ गलत चल रहा है क्या? ठीक है सर, अभी आप फिर से उल्टा बोल दिए। क्या क्या बोला मैं सर? आप बोले कि ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड। अच्छा, ह्यूमरल को एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमरल को एंटीबॉडी मीडिएटेड बोलते हैं। अभी सही है ना? हाँ सर। हाँ, ह्यूमरल को एंटीबॉडी मीडिएटेड और दूसरा क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये दोनों टाइप की इम्यूनिटी जो रहती है मिलकर के क्या बनाता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की रिस्पॉन्सिबल टी एंड बी लिम्फोसाइट और इसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट होता है दैट इज टी हेल्पर। टी हेल्पर अगर खत्म होगा तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसके कारण एचआईवी वायरस के कारण जो डिसीज पैदा होता है इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? AIDS। क्यों? क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है बिकॉज एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मेन स्टिमुलेट करने वाला जो टी हेल्पर है उसकी डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, वायरस इस पर अटैक करता है। ठीक है, और इसका जो रेशियो है वो कम हो जाता है, डिक्रीजेस, जिसके कारण एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिक्रीजेस। ठीक है, और इसके कारण जो रहता है वो ये एड्स होता है। क्लियर है? ये क्लियर है? चलो हटा रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा ये सब मैं पहले बता चुका हूं वहीं पर आप लोगों को, ताकि यहां पर बहुत ज्यादा आपको दिक्कत ना हो। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट, चलिए अब उसके बाद देखते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। बहुत सारे मोड है ट्रांसमिशन, बट एक दो मेन ध्यान रख, ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। तो एचआईवी का ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो क्या क्या हो सकता है? तो ध्यान रखने आपका कि मेनली जो ब्लड एंड सेमेन, मतलब ब्लड और रिप्रोडक्टिव जो फ्लूइड होता है, क्या बोला मैंने? ब्लड एंड रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जो होता है उसी से ही में ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो भाई अब मैंने आपको बता दिया ब्लड एंड रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। अब रिप्रोडक्टिव फ्लूइड का मतलब होता है कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड दैट इज सेमेन, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। दो वेजाइनल सिक्रीशन होता है। ठीक है, वेजाइनल सिक्रीशन। ठीक है, तो ये इससे मेनली आपका क्या होगा? ट्रांसमिशन के चांसेस।
क्लियर है ये? तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं बेटा, है ना, वो सब आपके बुक में है। अब मैं बहुत सारा एक एक चीज को लिखते नहीं रहूंगा, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, वैसे मैं नोट्स में सब देता हूँ, ठीक है। तो अब ब्लड के थ्रू कैसे जा सकता है बताओ, ब्लड के थ्रू कैसे जा सकता है? वो इंजेक्शन से शेयर करने से, नीडल, नीडल इंजेक्शन, नीडल जो रहता है वो शेयर करने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो ये देखो, मैंने आपको एक सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके बाद तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बहुत सारे अलग अलग मेथड के थ्रू इसका बता सकते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होगा भाई। जो भी जिसमें भी ऐसा कोई भी तरीका है जिससे कि ब्लड बाहर निकलेगा और वो दूसरे के बॉडी में पहुंच सकता है, तो भाई ब्लड बाहर निकलता है ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू। इंजेक्शन जो अपन किसी को लगाए वही इंजेक्शन दूसरे को लगाती है तो भी वो पहुंच सकता है। दूसरा जो शेविंग एविंग वाला जो जो रेजर पत्ती वगैरह होता है, जो रेजर होता है उसके थ्रू शेविंग किए कट गया, फट से कोई दूसरा तुरंत यूज कर लिया। वैसे ही मेरे पास एक बच्चा आया था 16-17 साल का होगा, आप ही लोगों के इसका होगा, स्कूल में ही था 11th, ठीक है। तो बोलता है सर मुझे लगता है मेरे को HIV हो गया, ठीक है, मेरे पास आके ऐसी बोलता है। तो मैं बोला क्यों बेटा ऐसा क्यों लगता है? तो मैंने उससे पूछा, अब बेटा सीधी सी बात है, ट्रांसमिशन का दो ही मेन मेथड है, तीसरा ट्रांस जो प्लासेंटा के थ्रू होता है, तीसरा प्लासेंटा के थ्रू चांसेस होता है, मदर से प्लासेंटा को क्रॉस करके वायरस फीटस में जाए वो एक चांसेस होता है। तो भाई एक नॉर्मल पैदा होने के बाद जो भी है ह्यूमन उसके में तो वो वाला चांसेस नहीं होगा, तो दो ही चांसेस होता है पैदा होने के बाद, ब्लड एंड रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये दो मेन कारण है, बाकी सलाइवा से नहीं होता, इसीलिए बोलते हैं कि किसी के साथ बैठ के खाने से HIV नहीं फैलता, किसी को छूने से नहीं फैलता, क्योंकि ये मेनली ये फ्लूइड के थ्रू होता है एक से दूसरे, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुमको HIV? तो मैं उससे वही सब पूछा कि भाई क्या तुम्हारा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हुआ किसी ऐसे के साथ जो ससेप्टिबल है HIV के लिए? फिर बोला कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है अभी अभी हाल ही फिलहाल? तो बोला नहीं सर। तो मैं खुल के बताओ, तो उसने बोला कि सर मैं जिस सैलून में गया था वहां पर जब मेरा शेविंग किया गया, छोटा बच्चा था, शेविंग किया या जो बाल वाल काटने के बाद ऐसे करते ना बेटा लड़के लोग, आपको मालूम है बाल वाल कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा जो हेयर होता है यहाँ वहां का उसको रेजर से करते हैं, ऐसा कट करते हैं ना, क्लीन करते हैं। तो बोला कि सर वो थोड़ा सा मेरा कट गया था और ब्लड आ गया, ठीक है। तो मैं बोला तो उससे HIV हो जाएगा बेटा? तो मैं बोला, तो वो बोलता है हाँ सर उससे HIV हो सकता है क्योंकि मैंने पढ़ा है, ऑब्वियसली। तो वो बोला सर मैंने पढ़ा है कि इससे भी होता है, ठीक है। तो मैं बोला बेटा कि वो इरेजर अगर किसी ने दूसरे ने यूज किया है और उस वो यूज करते समय जो दूसरा पर्सन जो था फर्स्ट पर्सन वो अगर यूज किया है और उसके में भी ब्लड आया है और उस रेजर में ब्लड रहा और उसी रेजर से जो ब्लड वाला रेजर है उसी रेजर से अगर आपका ये जो शेव किया गया होगा और फिर आपका भी स्किन में कट लग गया है तभी चांसेस। तो बोलता है कि सर मुझे लगता है कि उन्होंने रेजर चेंज किया, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। और बोलता है कि सर मुझे लगता है कि उन्होंने सैलून वालों ने रेजर चेंज नहीं किया। मैं बोला बेटा आप कितने पैसे दियो हेयर कट करने? बोला सर 100 रुपीज। 100 रुपए दे रहे हो बेटा, 2 रुपए का रेजर आता है वो चेंज किया ही होगा, कोई ऐसा नहीं करता। सबसे पहले बात, दूसरा वो बहुत टेंशन में था, आप लोग समझ नहीं सकते, मेरे को मालूम है। बोलता है सर 1 महीने से परेशान हूँ, मैं सोच रहा हूँ। बोलता है कि सर मैं आपको बना खाना नहीं बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है, ठीक है। तो बोलता है सर 1 महीने से मैं अंदर ही अंदर घूट रहा हूँ, सोच रहा हूँ। मैं बोला क्यों? मैं बोला किसी से डिस्कस नहीं किया। बोला सर मैं किससे डिस्कस करूँ ऐसा होता है, सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे डिस्कस करूँ, ठीक है। मैंने इसमें हिचकिचा रहा था, तो मैं उसको समझाया कि पहली बात तो बेटा रेजर चेंज करते ही है, दूसरा बात कि अगर वो रेजर चेंज नहीं भी किया है, ठीक है, तो कुछ ही मिनट की लाइफ होती है वायरस की एयर में,
वायरस की कुछ ही मिनट की लाइफ होती है एयर में, ठीक है। तो बेटा हेयर कट करने में तो कई मिनट लगते हैं, तो उसके हेयर कट करने से पहले दूसरे का किया होगा, फर्स्ट पर्सन का, और उसका शेविंग किया होगा, ब्लड लगा होगा, जो भी हुआ भी होगा, तो उसका जिसका हेयर कट किया होगा उसके बाद वो शेव करते हैं, है ना। लड़के लोगों को मालूम है सारी चीजें। मैं आपको समझाया कि इतने देर में वायरस जीवित नहीं रहता है, मतलब काम का नहीं रह जाए, बॉडी में घुस भी गया, पहली बात वो घुसेगा नहीं, घुस भी गया तो वो काम का नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि वायरस बॉडी के बाहर जो है वो ज्यादा समय तक के वो जीवित नहीं रह पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो काम का नहीं रहेगा, मतलब वो इन्फेक्शन नहीं फैला सकता। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मैंने बताया कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकते हैं, है ना, और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हो गया, ये रेजर वेजर, इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। पहले जमाने में जैसे हमारे टाइम पे मैं जब छोटा था तो मैं ऐसे लोकल पास के जो बीएनएस डॉक्टर होते हैं, नॉट एम्बुलेंस, बीएनएस डॉक्टर जो जनरल प्रैक्टिशनर, इनके पास मैं जाता था, तो मुझे याद है कि जब इंजेक्शन लगता था तो एक बॉयलर होता था, वहां पर कांच का सिरिंज होता था और निडिल, परमानेंट निडिल, जिसको कभी डिस्पोज नहीं किया जाता। ये जो परमानेंट निडिल है और कांच के जो सिरिंज है, इसको यूज करने के बाद पानी में डाल के खूब खौलाते थे, गर्म करते थे, उसके बाद ठंडा करके पूछ पाछ के बढ़िया उसको, है ना, इंजेक्शन लगाया जाता। तो मैं वो वाला इंजेक्शन लगवाया, तो उस टाइप से भी फैलता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको अच्छे से स्टेबलाइज नहीं किया गया है, वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में। क्लियर है? तो ये तो हमारा हो गया बेटा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हाई रिस्क इंडिविजुअल कौन होंगे इसमें? हाई रिस्क इंडिविजुअल कौन होते हैं? जो जो ड्रग एडिक्ट होते हैं। ड्रग एडिक्ट आप लोग देखोगे कि एक से दूसरे जगह ले जाते हैं, ठीक है, मतलब जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ना नशे का, एक देखोगे आप लोग मूवी में, पार्टियों में एक इंजेक्शन लगाया, फिर दूसरा भी लगा लिया, तीसरा भी थोड़ा सा देना भाई ले, वो भी लगा रहे हैं, उससे फैलता है ना, मल्टीपल पार्टनर्स के थ्रू फैलता है, ठीक है। और ये सारे जो है मतलब इसी तरीके से जो है बेटा ससेप्टिबल होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिनको ज्यादा होता है, जैसे सिकल सेल वाले हो गए या थैलेसीमिया वाले जो पेशेंट हो गए, उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनको कंटिन्यूस चाहिए, खासतौर पर जैसे थैलेसीमिया है, तो जिनके में बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं, मतलब प्रॉन होते हैं, उनके में चांसेस है कि वो जो है इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग कभी अगर आप लोग को अभी ब्लड देने नहीं गए होंगे, ब्लड डोनेशन आप लोगों का अभी एज नहीं है, तो ब्लड डोनेट करने जाते हैं ना तो एक रूम होता है काउंसलिंग रूम, ठीक है। तो ब्लड डोनेट करने से पहले काउंसलिंग रूम में आपसे सारी चीजें पूछी जाती है कि आपका क्या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है किसी से, है ना, प्लस दूसरा कभी हुआ है क्या, ऐसा पूछेंगे। फिर पूछेंगे कि आपकी कोई सर्जरी हुई है क्या, क्या आपको ब्लड चढ़ते रहता है क्या, ठीक है। चौथा पूछेगा क्या आपने टैटू बनवाया है क्या, या आपको, है ना, ये सारी चीजें पूछती हैं। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के फैलने वाली जो ब्लड बॉर्न डिसीज है, HIV और हेपेटाइटिस, इसका फैलाव को पता करने के लिए, मतलब ससेप्टिबिलिटी पता करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। एक रजिस्टर होता है बड़ा सा, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, ठीक है। तो टैटू बुदवाने से क्या होता है कि टैटू जब अपन करवाते हैं तो कई बार जो निडिल होता है उसको अच्छे से क्लीन नहीं किया जाता, स्टरलाइज नहीं करते या डिस्पोज नहीं करते, नए निडिल यूज नहीं करते, खेले मेले में देखोगे ना डिस्पोज नहीं किया जाता है बेटा, ऐसे उसको रीयूज करते हैं, ऐसी पोछ पाछ कैसी पानी वानी से पोछती है उसके बाद उसको रीयूज करते हैं ऐसा। चलो, तो इसीलिए टैटू बुदवाने वाले को भी ब्लड सैंपल डोनेट नहीं करने दिया जाता। अब पूछो क्यों, बोलो क्यों? टैटू बुदवाए 2 साल हो गया, फिर भी टैटू करवाए 2 साल हो, फिर भी उसको ब्लड डोनेट करने के लिए कई बार नहीं दिया जाता, पूछो क्यों, बताओ क्यों? क्यों सर? नहीं बताओ, आप लोग कोशिश करो क्यों?
एचआईवी सस्पेक्टेड हो सकता है वो। क्यों बेटा, 2 साल हो गया, एकदम हेल्दी है वो। हाँ एकदम हेल्दी है वो, तो फिर क्यों नहीं उसको देने देंगे। मैं इसलिए टैटू वैटू नहीं बनवा, क्योंकि अगर कभी ब्लड डोनेट करना पड़ेगा तो नहीं देने देते। कुछ लोग दे देते हैं बट कई ब्लड बैंक नहीं देते। एक वर्ड है इंक्यूबेशन पीरियड, इसी को समझाने के लिए पूछ रहा हूँ। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है, इट इज अ पीरियड बिटवीन, इट इज अ पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ वायरस एंड स्टार्टिंग ऑफ एंड स्टार्ट ऑफ इंफेक्शन। मतलब क्या होता है कि वायरस बॉडी में घुसा और उसने सिम्टम लाना चालू किया, समझ आया इसका मतलब? Yes, sir. अब बॉडी में एंट्री किया का मतलब क्या, इन्फेक्शन हो गया ना। बॉडी में एंट्री किया मतलब इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट ऑफ इन्फेक्शन मतलब सिम्टम स्टार्ट हो रहा है, जो भी एचआईवी के सिम्टम है वो स्टार्ट हो रहा है। तो पीरियड बिटवीन एंट्री एंड स्टार्ट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो एंट्री मतलब इन्फेक्शन हुआ, बॉडी में चला गया मतलब इन्फेक्टेड है, दे आर इन्फेक्टेड, समझ आ रहा बात। जैसे बोलते हैं ना वायरस से वो कोरोना इन्फेक्टेड का मतलब क्या होता है, दे आर कोरोना डिसीज होगा, ये वर्ड सही होगा कि नहीं? कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन क्या कोरोना डिसीज पर्सन हो सकता है? देखो बेटा, इन्फेक्टेड का मतलब होता है कि उसके बॉडी में कोरोना वायरस घुस गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको बीमारी हुई जाए। इन्फेक्टेड पर्सन को ऐसा नहीं है कि वो बीमार हो गया उस। इन्फेक्टेड का मतलब हो गया दे आर मतलब देयर उसके बॉडी में कोरोना वायरस की एंट्री हो चुकी है, इसका मतलब वो इन्फेक्टेड है, समझ आया बस, ठीक है। तो एंट्री हो गई मतलब इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने के बाद वो बीमार पड़ेगा तो सिम्टम आएगा ना। हर एक बीमारी का सिम्टम होता है, जैसे अभी डेंगू में हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, लगातार फीवर रहता है, ठीक है। और हाँ, जोड़ों में दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, ये सारा चीज अभी जैसे आप देख रहे हो डेंगू, तो वो डेंगू का जो सिम्टम आया वो उसकी बीमारी स्टार्ट हो गई तब सिम्टम आया, लेकिन वायरस तो बहुत पहले घुसा होगा, काफी दिन पहले डेंगू का वायरस घुसा होगा, तो वो उस समय इन्फेक्ट हुआ होगा। ये ऐसा देखा जाता है कि अगर डेंगू उसको आज हुआ है, किसी इंसान को डेंगू की बीमारी सिम्टम जो लक्षण बोलते हैं ना, सिम्टम आज दिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इन्फेक्टेड आज ही हुआ है। अगर उसके अंदर सिम्टम आज दिख रहा है डेंगू का, मतलब वो 2 हफ्ता पहले इन्फेक्ट हुआ होगा, समझ आ रहा है कि नहीं जो बोल रहा हूं, है ना। तो ये जो पीरियड होता है इन्फेक्शन एंड स्टार्टिंग ऑफ सिम्टम, बीमारी के लक्षण, ये जो गैप होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा बेटा 2-3 हफ्ते का गैप हुआ डेंगू का, इन्फेक्शन अंदर घुसा और उसको सिम्टम स्टार्ट हुआ, फीवर चालू हुआ, तो 2 से 3 हफ्ता, ठीक है। और जैसे आप लोग कोरोना वायरस में आप लोग एक वर्ड सुने होंगे क्वारंटाइन, क्यों बोलते हैं उस क्वारंटाइन? क्योंकि भैया अगर वो कॉन्टेक्ट में आया है तो मे बी 5 से 7 दिन में वो इन्फेक्ट हो जाएगा, सॉरी 5 से 7 दिन में सिम्टम देखना चालू होगा। आप लोगों सुना ना, 10 दिन 14 दिन क्वारंटाइन करते हैं, सुने होगे ना। अगर किसी कोरोना वायरस से कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में अगर कोई आया है तो उसको 14 दिन तक के क्वारंटाइन कर दिया जाता था, अभी बीच में आप लोगों ने कहीं सुना होगा। तो ये जो 14 दिन का मतलब क्या होता है, ये होता है बेटा उसका इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब अगर बॉडी में एंट्री हुआ है वायरस का, कोरोना वायरस का, तो वो इतने पर्टिकुलर दिन में सिम्टम स्टार्ट कर देगा, मतलब बीमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, समझ आया। तो वायरस एंटर किया, 10 दिन में, हफ्ते भर में क्या होगा बेटा, सिम्टम चालू हो जाएगा। क्या क्या भाई? फीवर वगैरह हो गया, टेस्टलेसनेस, जो हम लोगों ने सुना है, समझ आया, उसको बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। और ये जो गैप होता है, जिसमें वायरस अंदर आया और इन्फेक्शन हो गया, मतलब बीमारी हो गई, ठीक है, सिम्टम दिख रहा है। तो बेटा जब इन्फेक्शन अंदर आया, वायरस अंदर आया और
बीमारी चालू हुई, इसके बीच में जो खाली जो गैप होता है जिसमें इंसान को कुछ नहीं होता, उसको बोलते हैं विंडो पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? विंडो पीरियड। ठीक है, अब ये इतना मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भैया विंडो पीरियड क्या है। ठीक है, तो ये जो गैप है, ये जो गैप है कि वायरस आया एंड सिम्टम दिखा, ठीक है, ये विंडो पीरियड बोला जाता है, विंडो पीरियड। और ये जो पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है वायरस की एंट्री है ना, स्टार्टिंग ऑफ सिम्टम, ये पूरा प्रोसेस को बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। तो एचआईवी का जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है, एचआईवी का जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है वो फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू 5 to 10 years। इसका मतलब कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा जल्दी बोलो? मतलब ऐसा हो सकता है कि वायरस घुस गया लेकिन डिजीज आने में टाइम लगे, इतना टाइम लगे। कितना टाइम लग सकता है डिजीज को शो होने में बॉडी मैक्सिमम? वही फ्यू मंथ्स टू 5 to 10 years जो आपने लिखा है। बेटा अगर किसी के बॉडी में आज एचआईवी वायरस घुसा है तो हो सकता है उसको 5 साल बाद बीमारी हो सकता है उसको 10 साल बाद बीमारी हो। इसका मतलब आज अगर किसी ने टैटू गुदवाया है तो हो सकता है उसको 10 साल बाद एचआईवी। समझ आया इसका मतलब? इसका मतलब ये भी है कि ये इतना खतरनाक वायरस है कि बॉडी में अंदर घुसने के बाद भी इंसान को ये नहीं पता चलेगा कि दे आर एड्स पेशेंट। क्यों? क्योंकि बॉडी में जाने के बाद ये विंडो पीरियड में रहता है, आराम से चुपचाप बैठा रहेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, हेल्पर टी सेल पे अटैक नहीं करेगा, वो दूसरे किसी सेल पे अटैक करके आराम से बैठा रहेगा, अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ाएगा। जब तक अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ाएगा हेल्पर टी सेल डिक्रीज नहीं होगा, हेल्पर टी सेल डिक्रीज नहीं होगा तब तक इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, डिक्रीज नहीं होगी। जब तक इम्यूनिटी डिक्रीज नहीं होगी इसको हम एड्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, समझ आ रहा बात? तो इसीलिए जब पूछते हैं कि भैया आपने टैटू बुदवाया है क्या, बनवाया है क्या, तो अगर हाँ बोलते हैं इसीलिए नहीं करते। क्यों पता है? क्योंकि विंडो पीरियड में कहा गया, विंडो पीरियड में जब वायरस रहता है तो वो नॉर्मल टेस्ट में पता नहीं चलता। तो नॉर्मल टेस्ट कौन सा होता है? जो आप लोग कभी अगर ब्लड बैंक जाओगे ना तो एकदम क्विक टेस्ट होता है बेटा, क्विक टेस्ट होता है, क्विक टेस्ट होता है। किसी को पता है कभी गए हो आप लोग? यस सर। हाँ, तो आप लोग देखे होंगे कि पहले तो वो ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, उसके बाद फिर एचआईवी और हेपेटाइटिस ये देखते हैं। एचआईवी और हेपेटाइटिस मेनली ये दो टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये एचआईवी और हेपेटाइटिस ऐसी बीमारी है कि एक बार हो गया तो इंसान की मौत के साथ ही वो जाने वाला है, उससे पहले ये क्योर नहीं होता, मतलब इससे जान बचाई नहीं जा सकती, सिर्फ क्योर कर सकते हैं। तो एक बार वो वायरस घुस गया, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में भी हो गया तो कहानी खत्म है। ऐसा नहीं है कि वो मर ही जाएगा, बट दे आर परमानेंट पेशेंट ऑफ हेपेटाइटिस एंड एचआईवी। समझ आया बात? तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है एचआईवी की वो क्या होती है? तो विंडो पीरियड में स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो फेल हो जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव आता है जनरली। ठीक है, तो अब ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? एलिसा का फुल फॉर्म भी आता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, क्लियर है? ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ही फास्ट होता है, तो कई बार ये पकड़ में नहीं आता है और फिर ब्लड चढ़ जाता है पेशेंट को और वो भी पॉजिटिव होता है। इसीलिए जिनके में बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसमिशन होता है ना उनको ये चांसेस बहुत रहते हैं। समझ आ रहा बात? तो आप लोगों ने अभी यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देख लिया इस कहानी के द्वारा?
सबसे इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन एग्जाम में आता है, ठीक है। मैंने दो ही चीज में पूरा बता दिया, इंक्यूबेशन पीरियड आप लोगों को समझ आ गया होगा, एक मिनट, चलो क्लियर हो रहा बेटा, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या हो रहा है, ये बीमारी इतनी खतरनाक क्यों है, क्योंकि क्योंकि अब देखो बेटा, ये बीमारी इतनी तेजी से दुनिया में क्यों फैली, पहले कि किसी को इंजेक्शन लगाए डिस्पोजेबल नहीं हुआ तो क्या होगा, दूसरे में लगा दिया, उसको बेटा इंफेक्शन है बॉडी में, एचआईवी है, उसको पता ही नहीं, हो सकता है कि वो मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करे, उससे क्या होगा कि वो मल्टीपल पार्टनर्स में एचआईवी को फैला रहा है, तो ऐसे भी होता है। तो ये सब क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो भाई अगर हमको ये सब को रोकना है, मतलब मोड को, मतलब ट्रांसमिशन को रोकना है, तो हम वही सारी चीजों को रोकेंगे जिससे इसका ट्रांसमिशन होता है। तो यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि हम कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इसके ट्रांसमिशन को, कैसे रोक सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं कि इसका ट्रांसमिशन रोके। समझ आ रहा है कि ये बीमारी क्यों इतनी खतरनाक है, यार साइलेंट किलर, मतलब इंसान को पता भी नहीं चलता उसमें चेक होता। लेकिन एक चीज अच्छी है कि इससे मतलब जब भी ये बीमारी होती है तो ऐसा नहीं है कि उसकी डेथ तुरंत हो जाएगी, ठीक है, उसकी लाइफ कई सालों तक। अब आप एक्सपेक्ट करो कि कितने एचआईवी अगर हो गया है, सिम्टम भी स्टार्ट हो गया, बीमारी चालू होगी, तो कितने साल तक जी सकता है, कितने साल तक अंदाजा, 5-6 साल, 200 साल देते हैं बेटा, 200 साल विदाउट कोई प्रॉब्लम, कोई कंप्लेन, ठीक है। मेडिसिन जो होती है वो मेडिसिन बस एक ही काम करते हैं कि वायरस को दबा के रखते, वायरस के ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन वायरस खत्म नहीं होता, वायरस खत्म नहीं होता है, पूरे तरीके से इरेडिकेट नहीं होता है बॉडी से, तो उसका लाइफ बढ़ जाएगा लेकिन क्योर नहीं हो पाता। सिर्फ मेडिसिन से हम लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसकी जिंदगी को बचा नहीं सकते हैं, 200 साल जीते हैं विदाउट प्रॉब्लम, ठीक है, समझ आ रहा है बात। चलिए तो ये हो गया, इसमें एक चीज और था, चलो हो गया इतना। इसके स्क्रीनिंग टेस्ट एलिसा से करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में 50 बार पूछ चुका है एलिसा टेस्ट के बारे में, है ना, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसका, क्विक टेस्ट होता है, बहुत जल्दी से टेस्ट करने हैं, कई बार वायरस पकड़ में आ जाता है, कई बार नहीं आता है, इसलिए अगर कोई ससेप्टिबल है, मतलब ये स्क्रीनिंग टेस्ट बेटा, कई बार वायरस पकड़ आ जाता है और कई बार स्क्रीनिंग टेस्ट में नेगेटिव आता है, ठीक है, कई बार पॉजिटिव कई बार नेगेटिव। अगर ससेप्टिबल है, मतलब बहुत सारे रीजन है कि भाई वो मतलब अगर उनका जो हिस्ट्री लेते हैं उससे कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है कि भाई ये एच आई वी पॉजिटिव हो, मतलब क्या बोलते हैं, टैटू है तो ये मल्टीपल पार्टनर के साथ में रहते हैं, ठीक है, और ड्रग एडिक्ट भी है, तो फिर ऐसे लोगों का फिर कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, लिख लेना, वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है इसका, एच आई वी का। चलो हटा दो, यस सर, चलो। तो ये बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं भी डिस्कस कर लिया हूँ आप लोगों से। अब जो आपका जो बुक है उसके जो हेडिंग के हिसाब से कुछ चीजें बस मैं बता देता हूँ। अब ट्रीटमेंट में क्या करते हैं इसका, रिट्रोवायरस,
अब देखो बेटा, इसको अगर रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोकना है। तो वायरस मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसके पास जो एंजाइम है कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करने वाला जो हम मेडिसिन लेते हैं उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो इनहिबिट होता है, जिसके कारण वायरस क्या करेगा बेटा, आरएनए से डीएनए नहीं बना पाएगा। और जब आरएनए से डीएनए नहीं बना पाएगा तो डीएनए को होस्ट सेल में क्या नहीं कर पाएगा, इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा और वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करवा पाएगा। तो ऐसा इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। चलो देन उसके बाद इसमें आपका हो गया ये ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ना, WHO नाको, आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि वर्ल्ड एड्स डे भी मनाया जाता है ना, किसी को मालूम है कब मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, कब मनाया जाता है, 1st of December, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, ठीक है। अब इसके लिए बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग एनजीओस हैं, ठीक है, नाको है नेशनल एड्स जो है ना, इसका जो एक कम्युनिटी बना हुआ है एड्स को प्रिवेंट करने के लिए, और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब जो है आप लोगों ने ऐसा देखा होगा नाको करके, है ना, नाको ऐसा आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, देखा है कभी रेड से ऐसा मार्क रहता है, कभी देखे हो, नहीं नहीं देखे होंगे, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंबल है ना, नहीं देखते हो क्या, कोई बात नहीं। तो कॉलेज वॉलेज जाओगे आप लोग तो कॉलेज में ये सब आपको देखने को मिलेगा। चलो तो नाको है, तो एनजीओस है, ये सब बहुत सारे समय समय पर ये लोग क्या करते हैं बेटा, कैंपेन वैम्पेन चलाते रहते हैं। चलो अब इसके बाद हम आगे देखेंगे बेटा कैंसर, ठीक है। अच्छा इसका ट्रीटमेंट है क्या, कोई ट्रीटमेंट है, बोलो ट्रीटमेंट है क्या इसका, इसका ट्रीटमेंट नहीं है बेटा, इसको परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते, सिर्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं और हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट ये वो ये सब। अब आगे देखते हैं बेटा कैंसर, अभी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, 7:15 हो रहा, जल्दी बताओ अभी कर लें कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैंसर, पर छोटा है तो अभी कर लेते हैं, कर लेते हैं। चलो कैंसर, तो सबसे पहली बात तो कैंसर होता है, कैंसर सबसे पहली बात कैंसर होता है, कैंसर। अब देखना है यहाँ पर ध्यान से, कोई एक सेल है, कोई एक सेल है, ठीक है, कोई एक सेल, उसके बाजू में भी एक सेल है, कॉन्टेक्ट में हो या ना, इसके बाजू में भी एक सेल है ना, ये इसका एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, हर एक सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो हो गया, अब हर एक सेल को ब्लड सप्लाई मिलती है, बोलो हाँ, क्योंकि भैया ब्लड से ही इसको सारा न्यूट्रिशन मिलेगा ना, ग्लूकोज ऑक्सीजन वाटर ये सारी चीजें इस ब्लड से ही मिलेगी, तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर इस सेल को ग्रोथ करना है या मल्टीप्लाई होना है तो कैसे होगा, सबसे पहले बात तो कोई ना कोई ग्रोथ फैक्टर होना चाहिए कि इस पे एक्ट करे और इसको बोले चलो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलो कि ग्रोथ हार्मोन या कोई एक ग्रोथ फैक्टर, कोई एक ग्रोथ फैक्टर होना चाहिए, कोई एक ग्रोथ फैक्टर होना चाहिए जो इसको स्टिमुलेट करे, स्टिमुलेट करे, ठीक है। स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा कि भैया ये मल्टीप्लाई होगा, ऐसा बोलो, है ना, ऐसा मल्टीप्लाई होगा, समझ आ रहा बेटा। तो ये क्या कर रहा है बेटा, किसी के स्टिमुलेशन के कारण मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये जबरदस्ती मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर ये जबरदस्ती मल्टीप्लाई होना चाहेगा भी, है ना, अगर ये जबरदस्ती मल्टीप्लाई होना चाहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर कुछ सेल है, है ना, कुछ सेल है, अगर ये न्यूक्लियस है, ध्यान से देखना, ये चार में से कोई एक सेल अगर होगा तो ये चारों एक साथ होगा, क्योंकि ये एक ही टिश्यू की लाइन है,
ठीक है, तो अगर ये एक सेल मल्टीप्लाई होना चाहेगा भी तो आजू बाजू वाले लोगों के कॉन्टेक्ट में होने के कारण आजू बाजू वाले उसको मल्टीप्लाई होने ही नहीं देते। तो आजू बाजू वाले लोग इनके कॉन्टेक्ट में हैं, तो आजू बाजू के कॉन्टेक्ट होने के कारण ये दोनों सेल जो रहते हैं इसको इनहिबिट करेंगे, ये दोनों सेल इसको इनहिबिट करेंगे, है ना, इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट फॉर सिंगल मल्टीप्लायर या मल्टीप्लीकेशन। समझ आ रहा है ये सिंगल मल्टीप्लीकेशन? ये अगर नहीं होंगे तो इसको भी नहीं करने देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? ये ठीक है, ये अगर नहीं हो रहे हैं तो इसको भी मल्टीप्लाई होने नहीं दिया जाएगा, इसको ये इनहिबिट करेगा सिंगल मल्टीप्लीकेशन। तो इनहिबिट इसीलिए करेगा क्योंकि ये दोनों सेल इसके कॉन्टेक्ट में होता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नीट में कई बार आता है, ठीक है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसको बोलते हैं बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन ऑफ बाय एडजेसेंट सेल्स। ये क्लियर हो रहा है? ये क्लियर हो रहा है? यस सर, यस। चलो, तो मैंने यहां पर आप लोगों को दो चीजें समझाई कि कोई भी सेल अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके लिए सेल के बाहर से कोई ना कोई एक ग्रोथ फैक्टर आना चाहिए। वो हार्मोन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई सिग्नल हो सकता है, कुछ भी एक्स वाई जेड हो सकता है। दे आर ग्रोथ फैक्टर्स जो सेल के बाहर से सेल को मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। लेकिन भैया ये तीन सेल आजू बाजू है तो तीनों एक साथ, क्योंकि किसी एक टिश्यू का ग्रोथ एक बार में होता है। ऐसे नहीं होगा कि टिश्यू का आधा हिस्सा ग्रो कर रहा है, दूसरा, जितनी जरूरत है वो सारे टिश्यू के सेल्स एक साथ ग्रोथ करेंगे जितने में ग्रोथ फैक्टर का स्टिमुलेशन हुआ है, ठीक है। और अगर बिना ग्रोथ फैक्टर के कोई सेल अपने आप को, कोई एक सेल आजू बाजू मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन बीच वाला बोलेगा कि मैं अपने आप को ग्रो करूंगा, तो आजू बाजू वाले बोलेंगे बेटा चुपचाप बैठ, अगर हम नहीं होंगे तो तेरे को भी नहीं होने देंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में अलग अलग तरीके से आता है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, और डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका मतलब समझना है, ठीक है। तो हाँ, चलिए, तो ये चीजें हमारा सबसे पहला कि हमको ये समझ आ गया कि भैया कोई भी सेल मल्टीप्लाई कैसे होता है, ठीक है। देन दूसरा कि अगर एक सेल मल्टीप्लाई होता है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये भी मल्टीप्लाई होता है। तो जेनेटिक मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि वो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ग्रोथ फैक्टर से ही वो मल्टीप्लाई हो जाए ऐसा नहीं है, है ना, ठीक है। उसका जो डीएनए है वो भी इस ग्रोथ फैक्टर को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, जैसे कि ब्रेन सेल। तो ब्रेन सेल जो होता है वो जनरली ग्रोथ फैक्टर से भी स्टिमुलेट नहीं होता। ब्रेन सेल जितना बन गया वो बन गया, देखो बेटा ध्यान रखना, दो चीजें बता रहा हूं। ब्रेन सेल एक बार जो बन गया वो बन गया, वो दोबारा मल्टीप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन सेल दैट इज नर्व सेल जो ब्रेन में होता है, स्पेशली सीएनएस का जो नर्व सेल, नर्व में जो नर्व सेल्स होते हैं, दैट इज न्यूरॉन्स, सीएनएस का ब्रेन का स्पेशली जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें सेंट्रियोल नहीं होता, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो उस पर अगर आप ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ हार्मोन कोई भी अगर फैक्टर ऐसा ग्रोथ वाला डालोगे भी तो भी वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये अलग बात है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से नया कनेक्शन बैठा सकता है, ठीक है, लेकिन वो नया न्यूरॉन नहीं बना सकता। समझ आ रहा है बात? तो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ ग्रोथ फैक्टर पे नहीं, उसका जेनेटिक मटेरियल भी उस ग्रोथ फैक्टर को रिसीव करने वाला होना चाहिए और मल्टीप्लाई करवाने वाला होना चाहिए। तो ये सारा जो कहानी बता रहा हूँ एक्चुअल में कैंसर का एक्चुअल जो
कॉन्सेप्ट है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर क्या हो कि बिना ग्रोथ फैक्टर के ये सेल डिवाइड होना चालू हो जाए, अगर क्या हो कि कोई सिग्नल नहीं मिला है फिर भी इसका जेनेटिक मटेरियल अपने आप को जबरदस्ती मल्टीप्लाई करना चालू कर दे, अगर क्या हो कि ये बीच का एक सेल कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को अप्लाई ना करे खुद पे, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन से इसको फर्क ना पड़े और ये आजू बाजू वाले सेल की बात ना माने और खुद ये मल्टीप्लाई करना चालू कर दे, एक नहीं कई बार ऐसा मल्टीप्लाई करना चालू कर दे, तो ये क्या इसको सिग्नल मिला था? नहीं मिला था। कोई पर्पस है क्या? नहीं था। कोई पर्पस है इसको? नहीं है। ठीक है, आजू बाजू वाले किए? नहीं किए। तो पर्पसलेस अनवांटेड, ठीक है, पर्पसलेस अनवांटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नॉर्मल सेल विदाउट डिफरेंशिएशन, इसी को हम बोलते हैं कैंसर या ट्यूमर। तो सबसे पहली बात तो हम ट्यूमर समझते हैं, देन उसके बाद कैंसर समझते हैं। तो अगर ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, ये सेल कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का जो प्रोसेस है वो चला गया, मतलब लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन इस सेल पे, तो ये क्या होगा बेटा? ऑटोमेटिक बिना किसी ग्रोथ फैक्टर के ये ग्रो करना चालू करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करना चालू करेगा और यहाँ पर एक अनवांटेड मास ऑफ सेल का एक गुच्छा मिलेगा आपको, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अनडिफरेंशिएटेड, मतलब ये कोई किसी कारणवश नहीं बना है, कोई पर्पस नहीं है इसका, ठीक है, कोई रीजन नहीं है, विदाउट रीजन विदाउट पर्पस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, ठीक है, है ना, दैट इज मास ऑफ सेल्स विदाउट पर्पस, ठीक है, तो ये जो मास ऑफ सेल होता है इसी को हम बोलते हैं ट्यूमर। समझ आ रहा बात? क्या ये ट्यूमर कैंसर है? क्या ये ट्यूमर कैंसर है? ये क्या हो रहा है बेटा? रिपीटेड डिवीजन, रिपीटेड, लगातार रिपीटेड सेल डिवीजन। क्या ये ट्यूमर कैंसर है या नहीं? जल्दी बोलो भाई, सो रहे हो क्या? क्यों भाई हरकीर्तन, क्यों हरकीर्तन? क्या ये ट्यूमर है? Yes, क्या ये ट्यूमर कैंसर है? ट्यूमर तो मैंने बता दिया है कि भैया मास ऑफ सेल, मास ऑफ टिश्यू को हम ट्यूमर बोलते हैं। क्या ये ट्यूमर कैंसर है? बोलो नीलम, नीलम साहू, यस सर, सीमर, खुशी, विवेक, क्षितिज, बोलो भाई कोई भी, क्या ये ट्यूमर है? ट्यूमर एक कैंसर है कि नहीं है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे बी और मे नॉट बी, मे नॉट बी कैंसर, मे बी दे आर कैंसर और मे बी दे आर नॉट कैंसर, ठीक है, समझ आ रहा बात? अगर कोई ट्यूमर कैंसर नहीं है, सिर्फ ट्यूमर है, ट्यूमर तो बेटा मस्सा मालूम है ना आपको, मस्सा, आपने देखा कि मस्सा कई लोगों का यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ मस्सा रहता है, आपके बॉडी में भी मस्सा होगा, मेरी बहुत सारे लोगों के बॉडी में, तो मस्सा क्या होता है? एक प्रकार का ट्यूमर ही है, वो स्किन, स्किन अनवांटेड ग्रो किया ना वहां पर, स्किन का सेल अनवांटेड ग्रो किया है, तो ये क्या है? मास ऑफ सेल ही तो है, मास ऑफ टिश्यू तो है, जो अनवांटेड वहां पर ग्रो हुआ है, मस्सा क्या होता है? एक ट्यूमर ही होता है, ठीक है, और कहीं पर भी अगर ऐसा अनवांटेड ग्रोथ हो रहा है तो वो ट्यूमर हो सकता है, तो ट्यूमर कैंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो अगर कोई एक ट्यूमर कैंसर नहीं है, मे नॉट बी कैंसर, तो उस टाइप के कैंसर को हम, उस टाइप के ट्यूमर को हम क्या बोलेंगे? बेनाइन ट्यूमर। अगर वो कैंसर नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेनाइन ट्यूमर। समझ आया बात? ठीक है, लेकिन अगर वो ट्यूमर कैंसर हो गया, मतलब वो ट्यूमर अगर कैंसर है, ठीक है, कैंसरस है, तो उस टाइप के ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर, और मैलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसर कहलाता है। क्लियर हो रहा है? ये समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? यस सर, यस सर, ठीक है,
तो पहली चीज तो भैया मैंने आपको दो तीन चीजें बता दी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल का डिवीजन में ग्रोथ फैक्टर को फॉलो नहीं किया जा रहा, सेल के डिवीजन में कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है, अनवांटेड पर्पसलेस प्रोलिफरेशन या सेल डिवीजन हो रहा है उसको हम लोग ट्यूमर बोलेंगे, वो ट्यूमर में भी कैंसर होगा उसको हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे और मेटास्टेटिक ट्यूमर बोलेंगे, और वो कैंसरस नहीं होगा जो हार्मफुल नहीं होगा, दे आर बेनाइन ट्यूमर और नॉन कैंसरस ट्यूमर। क्लियर है बेटा, है ना, इसको मैं हटा रहा हूं। तो यहां पर हम लोगों ने दो टाइप का ट्यूमर देखा, मैंने कैंसर की बात नहीं की, कैंसर दो टाइप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ट्यूमर, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ऑल कैंसर आर ट्यूमर और ऑल ट्यूमर्स आर कैंसर, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ऑल ट्यूमर आर कैंसर, पहला स्टेटमेंट, ऑल कैंसर आर ट्यूमर, कौन सा स्टेटमेंट? दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सभी ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं, कुछ ट्यूमर नॉन कैंसरस होते हैं उसको हम बनाइन ट्यूमर होते हैं, और कुछ ट्यूमर जो होते हैं वो कैंसरस होते हैं उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं और मेटास्टेटिक ट्यूमर होते हैं। समझ आ गया बात? ठीक है, तो व्हाट इज बनाइन ट्यूमर एंड व्हाट इज ट्यूमर, लिख रहा हूं यार बार बार, ट्यूमर और मैलिग्नेंट और मेटास्टैटिक ट्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पर दो डिफरेंस है, मैं आप लोगों का जो, चलो मैं इसको बता देता हूँ। तो भैया ये जो है ये नॉन कैंसरस होगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं नोट्स लिखूंगा, और ये क्या होगा बेटा? कैंसरस होगा, ठीक है। अब बनाइन ट्यूमर क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम पे बताता हूँ। जैसे मान के चलो बेटा कि ये कोई एक सेल है नॉर्मल, यहाँ पर ब्लड वेसल है, ये ब्लड है, ठीक है, ये सेल है। अब ये ट्यूमर स्टार्ट हुआ बनना, ये ट्यूमर बनना स्टार्ट हुआ, तो ये ट्यूमर बनेगा तो मे बी ये अपने सराउंडिंग में बनेगा, तो मे बी ये इधर भी बने, मे बी ये इधर भी बने, मे बी ये इधर भी बने, मे बी ये इधर, कुछ समय बाद ये अपने जगह पर सीमित हो जाएगा, मतलब वो रुक जाएगा, फिर उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगा, पहला, ठीक है, मैं एक चीज नहीं लिख रहा हूं, कुछ समय बाद ये रुक जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, बनाइन ट्यूमर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये अपने आसपास के टिश्यू को, यहां पर और भी दूसरे टिश्यू हो सकते हैं, यहां पर और भी दूसरे टिश्यू हो सकते हैं ऐसा, ठीक है, ये अपने आसपास के टिश्यू ब्लड वेसल को बहुत ज्यादा रप्चर नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, वही अगर कहानी